हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम टू डे 18 ऑफ कोडिंग पाठशाला। नाउ जस्ट 3 days आर लेफ्ट, सिर्फ 3 दिन बचे हैं फॉर द ग्रेजुएशन डे। काफ़ी लोगों के क्वेरीज हमें ईमेल पे मिले, व्हाट्सएप में मिले कि ग्रेजुएशन डे में क्या करना है, कैसे होगा। सो वी विल टेल यू ऑल ऑफ दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के क्लासेस से और अभी से लेके अगले 3 क्लासेस तक, 4 क्लासेस तक हम इसी बारे में बात करेंगे। आप लोग जो ऐप बना रहे हैं, आपको जो भी डाउट आ रहा है, हम उसको भी क्लियर करेंगे। प्लस अगर लगेगा, वी विल टेक योर कंप्यूटर इन आर कंट्रोल, आपका रिमोट सेशन लेके हमारे एक्सपर्ट्स आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट 3 to 4 days आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितना हमने सीखा है, वी विल इम्प्लीमेंट इट। हमें इसे अब ग्रेजुएशन डे के पहले हमारा ऐप हमें प्ले स्टोर में डालना है। वी विल वर्क ऑन दिस। बट बिफोर वी स्टार्ट टेकिंग एनी क्वेश्चंस, बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन टुडे सेशंस, आई नीड टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉइंग कोडिंग पाठशाला। आप कुछ सीख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, शो मी अ थम्स अप। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, शो मी अ थम्स डाउन। वी आर ओके फॉर बोथ। सो इफ यू आर लाइकिंग द सेशन, अगर आपको कोडिंग अच्छा लग रहा है, शो मी अ थम्स अप। इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, शो मी अ थम्स डाउन। Okay, we are waiting. Okay, I see a lot of thumbs up. Can we have some thumbs down? Somebody might not be liking it. Okay, none so far. Okay, good, good, good. So I see a lot of thumbs up. No thumbs down. It's good. But I'm sure somebody might not be liking something, but that's fine. I think, okay, just 2 thumbs down. So good. At least you guys are honest. Kisi ko pasand nahi aa raha, so you're telling us, yes, this is not right. Something can be improved. We will work on it. So yes, we take your feedback positively. Those who have showed thumbs up, keep it up. Those who have showed thumbs down, don't worry. We will improve it. All right. So now, one very important thing. Hum jab aapka app प्ले स्टोर में लेके जाएंगे, वी नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। आप हम एक फॉर्मेट आपको देंगे, आज सोशल मीडिया में, हमारे कम्युनिटी पेज में, हमारे फेसबुक पेज में, वी विल पुट दैट फॉर्मेट ऑन। आपको वो इन्फॉर्मेशन फिल करके हमें भेजना है। आई नो आप लोगों का ऐप अभी रेडी नहीं है, अगले 3 दिनों में आपका ऐप रेडी हो जाएगा। Next 3 days, all of us will work together to make sure that your app is ready on 27th or latest by 28th, right? So we will, don't worry, kisi ka agar app incomplete hai, we will make it complete. Hum aapke saath kaam karke usko complete karenge. Lekin certain information we would need from you. Hum uska template aaj share karenge social media mein. Aap humko fill karke dijiye, jaise ki aapki app ka name aapne kya rakha hai. पैकेज नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अंकुर सर ने, ईशा मैम ने बार बार बोला है, पैकेज नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पैकेज नेम क्या रखा है? आपकी ऐप का टाइटल क्या है? क्या आप अपनी, आप जब ऐप प्ले स्टोर में डालते हो, कुछ इमेजेस भी आपको देनी होती है, वो इमेजेस हमारी टीम आपके लिए बना सकती है। बट आपके पास, आपके दिमाग में कुछ है कि ऐसी इमेज होनी चाहिए, शायद आपकी खुद की फोटो आनी चाहिए, या जो भी है, आप हमसे शेयर कीजिए। आप इसके लिए कोई भी ऐप प्ले स्टोर का डाउनलोड कीजिए, आप देखिए उस ऐप के बारे में कितनी जानकारी लोग डालते हैं, उसका टाइटल क्या है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन कौन सी इमेजेस लगे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें आपसे लगेगा। हम चाहते हैं कि आप वो फिल करके हमें देंगे, देन वही इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे जब आपका ऐप प्ले स्टोर में लाइव होगा। प्ले स्टोर में ऐप लाइव होने 27th की इवनिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। 27 तारीख की शाम से हम ऐप्स को लाइव करना चालू करेंगे। इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू 48 आवर्स ऐप के रिव्यू करने में, प्ले स्टोर गूगल की टीम उतना समय लेती है। एंड वी वॉन्ट यू टू बी लाइव विद अस। जब हम उसको लाइव करेंगे, हमारा संडे का जो सेशन होगा सिर्फ ऐप डिप्लॉयमेंट के बारे में होगा कि आप कैसे ऐप को डिप्लॉय करते हैं। नरेश सर विल टेक दैट सेशन। और हम जब हम ऐप लाइव करेंगे तो वी वुड वांट कि आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करें, आप लोग भी देखें कैसे ऐप को हम लाइव करते हैं।
राइट right? अभी आप कुछ हम लोगों ने आप लोगों ने जूम क्लासेस अटेंड की हैं, हम लोगों ने जूम क्लासेस कंडक्ट की हैं, कुछ लोगों ने मिस कर दिए हैं एक दो क्लासेस, डोंट वेरी, हमने यूट्यूब में सारे एप्लीकेशन कैटेगरीज के लिए वीडियो डालने स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एप्स के वीडियो यूट्यूब में आ चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें अपना बिजनेस लॉजिक लगा सकते हैं, इमेजेस स्प्लैश अपने यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है लेट अस नो, वी विल फिक्स इट। ठीक है, बाकी के जो चार वीडियोस बचे हैं प्ले जो यूट्यूब में नहीं है, जैसे कि शायद कंप्लेन ऐप का नहीं है, आपका वुमेन सेफ्टी ऐप का नहीं है, वो भी आज शाम तक वो सारे वीडियो भी आ जाएंगे। देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कोड। कोई भी जूम क्लासेस में भी आप ज्वाइन कीजिए, कोई प्रॉब्लम होता है सर से मैम से पूछिए, हमारे हमको व्हाट्सएप कीजिए, वी विल हेल्प यू। ऑल राइट, और ग्रेजुएशन डे के दिन क्या होगा वो हम आपको आने वाले दिनों में बताते रहेंगे। कुछ क्विजेस होंगे, लैपटॉप के विनर्स कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, हम पहले टॉप 15 या 20 प्रोग्रामर सिलेक्ट करेंगे, उनके साथ हमारा जो जूरी है एक बार वन ऑन वन इंटरेक्शन करेगा, आपसे वीडियो कॉल में बात करेगा, जिसमें बाकी के 20 लोग भी रहेंगे, वो भी देखेंगे आपने क्या बनाया है, फिर हम उसमें से बेस्ट प्रोग्रामर सिलेक्ट करेंगे। फिर ग्रेजुएशन डे के दिन जो हम कई सारे क्विज करेंगे, ऑनलाइन इंस्टेंट क्विज करेंगे कोडिंग के, जो तुरंत होंगे, और वहां पे हम अमेजॉन कैश वाउचर्स भी आपको देन एंड देयर तुरंत ही देंगे। राइट, सो आई थिंक ग्रेजुएशन डे के लिए माय टीम इज वेरी एक्साइटेड, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, आई होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। कीप वर्किंग ऑन योर कोड, अच्छे से अच्छा कोड लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा देन आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का कई लोगों ने पूछा है कि इस कोडिंग पाठशाला के बाद क्या वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। यस, वीडियोस यूट्यूब में रहेंगे, आप जाके देख सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं, आगे कुछ और भी आप बनाना चाहते हैं आप हमारी टीम की हेल्प भी आगे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा, विल नॉट बी अवेलेबल 24/7 आफ्टर कोडिंग पाठशाला। ठीक है, सो आई थिंक कीप लुकिंग एट द सोशल मीडिया पेजेस एंड कम्युनिटी पेज, वी विल शेयर द फॉर्म, आपको फिल करके हमें देना है, ताकि उस इंफॉर्मेशन से ही हम आपकी तैयारी करेंगे, जो आपकी ऐप प्ले स्टोर में डालना है उसकी तैयारी करेंगे, और वीडियोस को रिफर कीजिए एंड आप अपना कोड कंप्लीट कीजिए। सो यस, आई थिंक वी हैव एक्सप्लेन्ड इनफ अबाउट दिस, सो वी कैन स्टार्ट द टुडेज क्लास। आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं क्लास में, आपके जूम क्लास में भी, और उसके बाद व्हाट्सएप में भी। सो ईशा, कैन वी स्टार्ट टुडेज क्लास नाउ? यस सर। एम आई ऑडिबल? यस ईशा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सो हम फाइल में न्यू न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट वील सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी, और हम अपने प्रोजेक्ट को कोई नेम दे देंगे। सो लेट इट बी माई एप्लीकेशन। आज हम लोग कुछ बेसिक फीचर्स देखने वाले हैं जो हमारे एप्स में यूज़ हो रहे हैं, लाइक कॉलिंग एंड बटन क्लिक पे वाइब्रेशन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सो आप लोगों को कोई भी आप लोग न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों का ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने के बाद ही आपको काम स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले तो हम लोग अपनी लेआउट फाइल को डिज़ाइन करेंगे। जो हम आज दो चीज़ें देखेंगे उसमें लेआउट फाइल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो ये है कि हमें एक नंबर पे कॉल करना है, जो नंबर हम अपने कोड में लिखेंगे फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हम अगर बटन क्लिक करेंगे तो हमें वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ जो हेलो वर्ल्ड लिखा है हम उसे यहाँ से क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेआउट है, हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब हम जो भी चीजें आप लोग ट्राई करें कि आप लोग कोडिंग के थ्रू ही करें, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे। ठीक है, तो हम अपना बटन का विड्थ सिलेक्ट करेंगे एंड हाइट। नेक्स्ट, हमारे बटन में जो भी टेक्स्ट शो होगा, तो एक बटन है जो कि कॉल करेगा एंड हम इस बटन को आईडी दे देते हैं। सो इसकी आईडी भी हम कॉल रख लेंगे।
नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरा बटन भी ऐड कर लेते हैं, उसकी हम विड्थ हाइट सिलेक्ट करेंगे। सो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं विड्थ हाइट, उनका काम होता है कि जो भी विड्थ होगी हमारे बटन की और हाइट होगी वो सिलेक्ट करना। ठीक है, अब ये ओवरलैप हो गए, सो पहले हम इन्हें सेट कर लेते हैं। जब भी आप लोग कॉन्स्टेंट लेआउट का यूज़ करेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब आप अपना पूरा लेआउट सेट कर लेंगे, सारे व्यूज़ ऐड कर लेंगे, एट द एंड आप लोगों को ये जो वॉन्ड है जो इनफर कॉन्स्टेंट की होती है वो सिलेक्ट करना होगा, ताकि कॉन्स्टेंट्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। अब ये वाला जो बटन है इसका हम टेक्स्ट ऐड कर लेंगे। सो ये टेक्स्ट जो है ये वाइब्रेट को डिनोट कर रहा है। और हम इसकी आईडी भी वाइब्रेट रख लेंगे। सबसे बेस्ट वे यही होता है कि हम आईडीज वही रखें जो उस बटन का काम होगा, जो उस बटन का नेम है, सो दैट जब हम आगे काम करते हैं, जब हम उसको कहीं भी यूज करते हैं, लाइक फाइंड व्यू पे आईडी पे जब हम उसे यूज कर रहे हैं हमारे वेरिएबल्स असाइन करने में, तो हमें वो चीज़ याद रहे, कहीं कंफ्यूजन ना, और हमारी आईडी का यूनिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने ये सब सेट कर लिया, हम इनफो कॉन्स्टेंट सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ वील गो टू आर मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स असाइन इनिशियलाइज करेंगे। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ यूज करेंगे बटन। एक बटन है हमारा कॉल और दूसरा बटन रहेगा हमारा वाइब्रेट, तो हम उसके लिए वाइब्रेट यूज कर लेते हैं। जब हम सेम क्लास का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं जिनकी क्लास सेम होती है, तो हम उसे कॉमा लगा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें वाइब्रेटर क्लास लगेगी, तो हम यहाँ वाइब्रेटर क्लास लिखेंगे और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे वाइब्रेटर। ठीक है, अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स को असाइन करेंगे। वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए हम फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ यूज करेंगे कॉल इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अगर कभी सजेशंस नहीं आता है तो हम अपना राइट साइड वाला कंट्रोल और स्पेस प्रेस करके यहाँ पे ये जो सजेशंस आते हैं वो ला सकते हैं। और हमारा जो कॉल बटन है उसकी आईडी कॉल थी, जो हमारा वाइब्रेट बटन है उसकी भी आईडी हम असाइन कर देंगे। हमारे वाइब्रेट बटन की जो आईडी थी वो थी वाइब्रेट। हाँ, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें जो कॉल करना है, ठीक है, अब हम सबसे पहले कॉल की बात करेंगे और वाइब्रेट की बाद उसके बाद करेंगे। सो अब हमें क्या करना है कि हमें कॉल करना है, हम जब अपने बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन क्लिक पे होगा कॉल। ठीक है, कॉल करने के लिए क्या होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसको बाहर बैकग्राउंड का जो एप्लीकेशन है उससे परमिशन लेनी होगी। सो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा परमिशन का। सो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐप में क्लिक करने के बाद हम मैनिफेस्ट में जाएंगे और हम सिलेक्ट करेंगे एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। ये सिलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ यूज करेंगे ये जो एप्लीकेशन है उससे पहले यहाँ पे हम यूज करेंगे यूजर्स परमिशन। जैसे ही हम यूजर्स परमिशन क्लिक करेंगे हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों के ऑप्शन है एंड्रॉइड परमिशन में। मतलब हमें हमारे एंड्रॉइड में बहुत सी चीजें होती है जिनकी परमिशन लेनी होती है, लाइक एक्सटर्नल स्टोरेज की, इंटरनेट की परमिशन, अगर हमें कोई इंटरनेट से काम है तो। अभी फिलहाल हमें फोन कॉल का है, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एंड्रॉइड डॉट परमिशन।
अब यहाँ पे आ गया कॉल फोन, ठीक है। हमें जो है हमारे फोन कॉल के लिए परमिशन चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉल फोन का यूज किया है। अब हम वापस अपनी जावा फाइल में जाएंगे। जावा फाइल में जाने के बाद अब हमको क्या करना है, हम यहाँ पे हमारे बटन क्लिक पे क्या होगा हम वो बताएंगे। सो हम यूज करेंगे कॉल डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर क्या करता है कि क्लिक करने पे जो टास्क होगा वो बताता है। सो न्यू, जैसे ही ये किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मेथड आ गई। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि हम कॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम कॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन कॉल हो जाएगा फोन कॉल। अब हमें यहाँ पे शो हो रही है एरर। हमें एरर यहाँ पे इसीलिए शो हो रही है बिकॉज अभी तक हमने फोन कॉल नाम का कोई मेथड कोई फंक्शन नहीं बनाया है। सो या तो हम ऑल्ट एंड करेंगे ताकि हमें यहाँ पे सजेशन आ जाए, या फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें सिंबल शो होता है हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ऑल्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे तो हम लेफ्ट साइड वाला ऑल्ट प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है रीनेम रेफरेंस और दूसरा आ रहा है क्रिएट मेथड फोन कॉल। सो हमें फोन कॉल मेथड कॉल करना है तो हम क्रिएट मेथड फोन कॉल को एंटर कर देंगे। फिर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है चूज टारगेट क्लास का जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आ रहा है एनोनिमस ऑन क्रिएट इन मेन एक्टिविटी या फिर मेन एक्टिविटी जिसमें हम हैं। सो हम जिस एक्टिविटी में उसी में हमें इस मेथड को क्रिएट करना है। सो हम मेन एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी फोन कॉल क्लास बन गई। अब इस फोन कॉल क्लास में होगा क्या, हमने ये देखा है जैसे हम जब अपनी स्प्लैश स्क्रीन डिजाइन कर रहे थे या हमने दूसरी चीजें डिजाइन की उसमें हमने ये देखा कि जब भी हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना होता है हम इंटेंट क्लास का यूज करते हैं। सो अभी भी हमें हमारे एंड्रॉयड एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी में जाना है और वो एक्टिविटी है फोन कॉल। पर अब डिफरेंस क्या है कि हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर की एक्टिविटी नहीं, एक एक्सटर्नल एक्टिविटी में जाना है। बट हमें एक्टिविटी तो स्विच करनी है सो हम यूज करेंगे इंटेंट क्लास का। हम यहाँ यूज करेंगे ईशा वन सेकेंड, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, दे आर रिक्वेस्टिंग कि आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दें स्क्रैच से हम क्या कर रहे हैं और आपने अभी तक क्या किया, सो दैट दे कैन फॉलो दिस। श्योर सर, ओके। सो सबसे पहले तो हमने अपनी एक्टिविटी जो लेआउट फाइल है उसमें हमने दो बटन ऐड किए, कॉल बटन एंड वाइब्रेट बटन। जो कॉल बटन है वो क्या करेगा, हम जो नंबर यहाँ ऐड करेंगे उस नंबर पे कॉल करेगा, और जो वाइब्रेट बटन है हम जब उस वाइब्रेट बटन को प्रेस करेंगे तो वो वाइब्रेट करेगा हमारे फोन को। सो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ बटन ऐड किए, हमने अपने बटन को आईडी दी, हमने अपने बटन के कॉन्स्टेंट सेट किए, उसकी पोजिशन सेट की। नेक्स्ट हमने सेम वाइब्रेट बटन के साथ भी किया, और जब हमने यहाँ पे अपने बटन की पोजीशन सेट कर दी तो हमने इन्फो कॉन्स्टेंट पे क्लिक किया ताकि कॉन्स्टेंट सेट हो जाए। अब नेक्स्ट हम मेन एक्टिविटी में गए। मेन एक्टिविटी में सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो होता है हमारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। सो हमने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया तो हमारा जो वेरिएबल्स जो हमारी क्लास थी बटन क्लास उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। सो हमने एक कॉल ऑब्जेक्ट बनाया, एक वाइब्रेट ऑब्जेक्ट बनाया बटन का। जब हमारे क्लास सेम होती है, फॉर एग्जांपल कॉल और वाइब्रेट दोनों बटन है, सो हम उसे कॉमा लगा के लिख सकते हैं। पर यहीं अगर टेक्स्ट व्यू होता तो हम टेक्स्ट व्यू को अलग लाइन में लिखते हैं, हम कभी भी टेक्स्ट व्यू कॉमा लगा के नहीं लिख सकते हैं बटन के साथ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे वाइब्रेटर क्लास भी चाहिए, उसका यूज हम आगे देखेंगे। और हमने वाइब्रेटर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया वाइब्रेटर। नेक्स्ट अब हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया तो हमें वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा सो दैट हमारे कंपाइलर को पता हो कि उसे किस बटन को देखना है। सो हम जब असाइन करते हैं कोई भी वेरिएबल को तो हम फाइंड व्यू बाय आईडी का यूज करते हैं। फाइंड व्यू बाय आईडी हेल्प करता है
उसके नेम से ही पता चल रहा है कि जो व्यू है उसको उसकी आईडी की हेल्प से फाइंड करने में। इसीलिए जो आईडी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होती है हमारे व्यूज का लेआउट में। और हमारे लेआउट की और मेन एक्टिविटी और जावा की जो आईडीज होती है उसका सेम होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो हमने यहाँ पे कॉल जो बटन है उसकी जो आईडी है वो भी हमने कॉल ही रखी थी। सो हमने यहाँ पे यूज किया फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.call। ये जो r है वो रिसोर्स को डिनोट करता है और ये आईडी आईडी को। सिमिलरली हमने वाइब्रेट के लिए भी किया फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.vibrate। अब हम एक हमारे एंड्रॉइड का एप्लीकेशन से हम अपने दूसरे एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यूजर्स परमिशन का यूज करेंगे। जैसे हम कभी भी गूगल मैप का यूज करते हैं फोन में, या हम व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करते हैं, तो जब हम क्लिक करते हैं फोटो का बटन या फिर गूगल मैप, तो हमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जहाँ पे वो हमको परमिशन मांगता है कि व्हाट्सएप इज आस्किंग फॉर द परमिशन टू एक्सेस फोटोज, या गूगल मैप इज आस्किंग द परमिशन टू एक्सेस द GPS। सो ये सब जो है ये यूजर्स परमिशन की हेल्प से होता है। सो हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट में हम मैनिफेस्ट में एंड्रॉइड मैनिफेस्ट पे डबल क्लिक करके उसे ओपन करेंगे। जो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML फाइल होती है इसमें हमारे हमारे ऐप की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ऐप का नेम, पैकेज नेम। यहाँ पे हमारे ऐप का पैकेज नेम है, यहाँ हमारे ऐप का नाम है, ऐप का नाम जो हमें दिखेगा जब हम ऐप इंस्टॉल करेंगे, हमारा ऐप आइकन, ये सब यहाँ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में स्टोर होता है। सो हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पे यूजर्स परमिशन का यूज करेंगे। जैसे ही हम यूजर्स परमिशन टाइप करेंगे हमें वहाँ ऑप्शंस आने लगेंगे और हम वहाँ से कॉल फोन सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमें कॉलिंग फीचर का यूज करना है। अब नेक्स्ट ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसे बताएंगे कि बटन क्लिक पे क्या होगा। सो उसके लिए अभी हम कॉल बटन का देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉल डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, मतलब कॉल बटन क्लिक होने पे क्या होगा। जैसे ही यूजर कॉल बटन कॉल करेगा वैसे ही यहाँ पे फोन कॉल नाम का जो फंक्शन है, फोन कॉल नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है। और हम जब हम इनिशियल स्टेट पे फोन कॉल नाम का फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर शो होगी बिकॉज हमने फोन कॉल फंक्शन तब नहीं बनाया था। तो हमने ऑल्ट एंटर प्रेस करके क्रिएट मेथड की और हमने यहाँ पे फोन कॉल फंक्शन बना लिया। अब हम फोन कॉल फंक्शन के अंदर सब डिक्लेरेशन करेंगे। अब हमें हमारी जो एंड्रॉइड फाइल है उससे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, मतलब हमें हमारे जो एंड्रॉइड एक्टिविटी है उसमें से हमें कॉल एक्टिविटी पे जाना है, भले ही वो इंटरनल है बट हमें एक्टिविटी स्विच करनी है। हम इंटेंट क्लास का यूज करेंगे। अब हमने इंटेंट क्लास का यूज किया है तो हम क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट, तो हम उसके ऑब्जेक्ट को नेम दे देते हैं इंट आई। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू इंटेंट इंटेंट, अब कौन सी एक्टिविटी है वो है इंटेंट डॉट एक्शन। अब देखिए यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं क्या क्या हम कर सकते हैं, तो हमें करना है कॉल। हम यूज करेंगे एक्शन, कॉल, ठीक है। हमें कॉल करना है तो हम यहाँ पे इंटेंट एक्शन कॉल का यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए सेट डेटा जो है उस मेथड को कॉल करेंगे। सेट डेटा क्या करेगा, जो भी डेटा है उसे सेट कर रहा है। अब हम यहाँ यूज करेंगे यू आर आई डॉट पार्स। जो यू आर आई होता है, यू आर आई एक ऑब्जेक्ट होता है जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है वो उसे ये बताता है कि हमें क्या एक्सेस करना है। जो भी चीज हमें कंटेंट प्रोवाइड करती है, मतलब कंटेंट प्रोवाइडर, उसे वो ये बताता है कि हमें एक्सेस क्या करना है, ठीक है। तो जो मेथड है यू आर आई डॉट पार्स
वो क्या कर रहा है, जब हम उस मेथड को क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है और वो ये बताएगा कि हमें करना क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे टेल। अब ये जो टेल है वो ये बताएगा कि हमें एक नंबर पे कॉल करना है, हमें कॉलिंग एप्लीकेशन यूज करना है, ठीक है। तो जो यू आर आई डॉट पार्स है वो कंटेंट प्रोवाइडर को ये बताएगा कि हमें जो कॉल एप्लीकेशन है वो यूज करना है। अब यहाँ पे जो टेल है यहाँ पे आप एक नंबर देंगे, फॉर एग्जाम्पल जो एप्स हम बनाते हैं जैसे विमेन सेफ्टी ऐप, सो उसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम एक बटन क्लिक पे डायल 100 पे कॉल कर देंगे, सो दैट डायरेक्ट हमें कुछ यू नो बार बार नंबर टाइप करके कॉल ना करना पड़े, जस्ट अ बटन क्लिक। तो उसमें हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप कोई जैसे फॉर नाउ अगर आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर देंगे, तो जब आप अपना नंबर देंगे तो आप उसे कुछ ऐसे लिखेंगे प्लस 91। आपको कंट्री कोड देना होगा ताकि उसे पता रहे कि ये नंबर कहाँ का है, और आप अपना नंबर लिख सकते हैं जो भी है आपका। एज एन एग्जाम्पल आई राइट 1234। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। हमें यहाँ एक कंडीशन लिखनी है, कंटेक्स्ट कॉम्पैट। जो कंटेक्स्ट कॉम्पैट क्लास होती है वो हम तब यूज करते हैं जब हमें रिसोर्सेस रिट्रीव करने होता है, कोई भी रिसोर्स हमें चाहिए होता है तो हम कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट क्लास का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कौन सा रिसोर्स चाहिए, हमें चेक सेल्फ परमिशन। यहाँ पे जैसे डॉट लगाया यहाँ आ गया चेक सेल्फ परमिशन, मतलब उसे परमिशन मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। तो गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा कॉल अंडरस्कोर फोन, ठीक है। उसे कॉल फोन की परमिशन मिली है या नहीं मिली है वो हम यहाँ से चेक करेंगे। अब जस्ट अ मिनट, यहाँ पे पूरा कैपिटल रहेगा, गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉमा तो हमारा कॉल फोन है उसकी परमिशन मिली है नहीं। यहाँ हमें एरर शो हो रहा है बिकॉज इसकी क्लास इंपोर्ट नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस कर देंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉल फोन कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, सो ऑल्ट एंटर। अब यहाँ पे आ रहा है क्रिएट कॉन्स्टेंट फील्ड, क्रिएट क्लास करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसे चेक करेंगे डबल इक्वल टू पैकेज डॉट चेक सेल्फ परमिशन गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कॉमा कॉल उसके बाद हम यहाँ पे डबल इक्वल टू पैकेज परमिशन, हमें पैकेज परमिशन चेक करनी है, इसे मैं नेक्स्ट।
में कर देती हूँ। मीनवाइल स्टूडेंट्स आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि जो कॉल फोन है इसके अलावा ऐसे कितने एक्शंस हैं जो आप लोग डेली फोन में देखते हैं। जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो इट आस्क फॉर लोकेशन, में लोकेशन इज वन एग्जांपल कि दिस ऐप वांट्स टू इनेबल योर लोकेशन, यू अलाउ इट और नॉट। आप इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं सारे। कॉल फोन इज वन एग्जाम्पल। ईशा इफ यू कैन टेल देम अबाउट, अगर कॉल फोन की जगह उनको और दूसरी चीजें चेक करनी तो हाउ कैन दे डू दैट, वो कैसे चेक कर सकते हैं? सर जैसे यहाँ पे परमिशंस चेक करनी है तो हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाते हैं। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के बाद हम यहाँ परमिशंस यूज करते हैं एंड हर चीज का एक अलग मेथड होता है। अभी हम यहाँ पे वाइब्रेट के लिए भी देखेंगे। ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पैकेज मैनेजर का। सो हम यहाँ लिखेंगे पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड। हमें ये चेक करना है कि हमें परमिशन मिली है या नहीं। तो ये जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमने ऑल्ट एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे जो क्लास थी वो इम्पोर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन ये है जो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैट है वो क्या कर रहा है कि जो रिसोर्स से रिट्रीव करना है, ठीक है, तो उसे देखना है कि हमें परमिशन मिली या नहीं। तो ये जो एप्लीकेशन है उसे कॉल फोन की परमिशन मिली है या नहीं, तो वो पैकेज मैनेजर में ये चेक कर रहा है कि उसे परमिशन मिली है या नहीं। अगर उसे परमिशन मिली है तो वो क्या करेगा, वो इफ के ब्रेस के अंदर जाएगा और फिर स्टार्ट एक्टिविटी आई कर देगा। मतलब कि अगर उसे परमिशन मिल गई है तो वो जो आई एक्टिविटी है, जो हमारी कॉलिंग एक्टिविटी है जिसमें उसे 1 2 3 4 नंबर पे कॉल करना है, वो उसे स्टार्ट कर देगा। बट अगर उसे परमिशन नहीं मिली है तो वो इस ब्रेसेस के अंदर जाके रीड भी नहीं करेगा कि करना क्या है, वो सीधा इस ब्रेस के बाहर जो कोड होगा उस पे चला जाएगा। और यहाँ हम लिखेंगे एल्स और इस एल्स में भी हमें इफ यूज करके कंडीशन चेक करेंगे जो कि रहेगी बिल्ड डॉट वर्जन। हमें अपने बिल्ड का वर्जन चेक करना है कि क्या है, तो हम यहाँ उसके लिए यूज करेंगे एसडीके इंट। ये हमारे जो फोन है उसका वर्जन चेक करेगा। अगर यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि अगर बिल्ड की जो बिल्ड का जो वर्जन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, बिल्ड डॉट वर्जन कोड्स। हम यहाँ वर्जन का कोड लिखेंगे, सो वर्जन कोड यहाँ में ऑटोमेटिकली आ गया डॉट। अब वर्जन का कोड लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे एम। एम क्या है, एम जो है वो मार्शमेलो को डिनोट कर रहा है। सो मार्शमेलो हमारा एक वर्जन है। हमारे एंड्रॉइड में बहुत सारे वर्जन्स होते हैं जिसमें नए नए फीचर्स आते हैं। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है एंड्रॉइड 10.0, ठीक है। आपने बहुत से वर्जन्स का नेम सुना होगा लाइक किट कैट, जेली बीन, वैसे ही मार्शमेलो भी एक वर्जन है। अगर हमारे बिल्ड का वर्जन मार्शमेलो वर्जन से ग्रेटर है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे जाएगा और जो रिक्वेस्ट परमिशन, परमिशन की रिक्वेस्ट करेगा। सो वो करेगा रिक्वेस्ट, यहाँ पे आ गया रिक्वेस्ट परमिशन, ठीक है। रिक्वेस्ट परमिशन में न्यू स्ट्रिंग और फिर यहाँ पे कॉल फोन एंड यहाँ कॉमा लगा के हम एक वर्जन पास कर देंगे, कोड जो है वो पास कर देंगे। सो यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हमारा जो बिल्ड का वर्जन है, जो हमारा फोन का वर्जन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम है। अब ये वर्जन आप कैसे चेक कर सकते हैं मैनुअली, अगर आपको देखना है कि आपके फोन का वर्जन क्या है, सो आप क्या कर सकते हैं, अपने अबाउट फोन में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके अबाउट फोन में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके फोन के एंड्रॉइड फोन के बारे में पता चलेगी। सो वहाँ आप अपना वर्जन भी देख सकते हैं। सो अगर इसका वर्जन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम है
तो वो क्या करेगा, वो हमारे जो फोन है उससे वो परमिशन लेगा। अब ये हमने कर लिया कॉल के लिए, अब अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हमारा जो है वो फोन कॉल लग जाएगा। नेक्स्ट अब हमें देखना है हमारे वाइब्रेट मेथड के लिए। वाइब्रेट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी वाइब्रेटर, ठीक है। हम अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू असाइन की थी वाइब्रेट और कॉल को, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने वाइब्रेट के लिए भी परमिशन लेनी है। तो हम करेंगे यूजेस परमिशन, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाएंगे जहाँ हमने फोन कॉल की परमिशन ली थी, उसके बाद हम करेंगे वाइब्रेट के लिए परमिशन। सो हम लिखेंगे एंड्रॉइड डॉट परमिशन, जैसे ही वी टाइप का यहाँ पे आ गया वाइब्रेट, अब हमें वाइब्रेट के लिए परमिशन चाहिए और हम इसे क्लोज कर देंगे। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे हम जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वाइब्रेटर नाम का, उसको उससे ये क्या करेगा, सिस्टम की सर्विस लेगा। तो हम यहाँ यूज करेंगे गेट सिस्टम सर्विस, और कौन सी सर्विस चाहिए, उसे चाहिए वाइब्रेटर सर्विस। सो यहाँ वाइब्रेटर सर्विस। अब ये जो एरर आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हमें इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा वाइब्रेटर से। अब So, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा जो वाइब्रेटर ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है कि जो सिस्टम की वाइब्रेटर सर्विस है उसे गेट कर रहा है। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जैसे फोन कॉल के लिए, हमारी परमिशन ली थी वैसे वाइब्रेटर के लिए होगी, और वाइब्रेटर का तरीका डिफरेंट है, वो डायरेक्ट यूजर से परमिशन लेगा और यहाँ पे फिर वो परमिशन देने के बाद जो सिस्टम सर्विस है उसे गेट करेगा, ठीक है। अब जैसे हमने हमारे फोन कॉल बटन पे किया था कि फोन कॉल बटन पे क्या होगा, सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, हम हमारे वाइब्रेट बटन पे क्या होगा वो भी करेंगे। सो हम यूज करेंगे डॉट हमने यहाँ जो हमारे बटन की क्लास बनाई थी वो थी वाइब्रेट, जहाँ हमारा फोन कॉल बटन की कोडिंग एंड हुई है हम उसके नीचे करेंगे, फोन कॉल मेथड की नहीं कॉल बटन की। वाइब्रेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट, वाइब्रेट बटन क्लिक होने पे क्या होगा, न्यू न्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्ट। अब इसमें हम कर देंगे वाइब एक मेथड कॉल जिसका नाम हम वाइब रख देते हैं, ठीक है। हमें फिर से एक एरर शो हो रही है बिकॉज हमें यहाँ पे वाइब मेथड क्रिएट करनी होगी जो कि हम यहाँ पे कर लेंगे। अब इस मेथड में क्या होगा, हम सिर्फ एक स्टेप बताएंगे उसको क्योंकि उसे परमिशन तो मिल चुकी है। यहाँ पे हम यूज करेंगे वाइब्रेटर डॉट, यहाँ पे हम वाइब्रेट मेथड का यूज करेंगे। अब इस वाइब्रेट मेथड में हमें बताना होगा कि वो कितनी देर तक मेथड होगा, हमें कितने सेकंड्स के लिए हमारा बटन जो है वो वाइब्रेट करना है। तो हम हमारा टाइम सेकंड्स में नहीं मिली सेकंड्स में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 सेकंड्स के लिए वाइब्रेट करना है उस बटन को तो हम यहाँ पे 2000 लिख देंगे। जैसे ही 2000 लिखा है ऑटोमेटिकली मिली सेकेंड्स आ गया टैग, सो हमारा जो बटन है वो 2 सेकेंड्स के लिए यहाँ वाइब्रेट होगा। ओके, हम एक चीज और देख सकते हैं, अगर जैसे हमें हमारे बटन क्लिक पे कोई साउंड चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, अब साउंड लाइक जैसे कोई छोटा सा अलार्म साउंड, सो उस अलार्म साउंड के लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले अपनी यहाँ पे बनाएंगे एक बटन,
बटन उसका जो विड्थ है वो डिफाइन करेंगे, हाइट, टेक्स्ट वो शो करेगा, उसे हम कर देते हैं साउंड, और इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं साउंड। और इसका भी कंस्टेंट यहाँ सेट कर देते हैं, ये जो प्रॉब्लम होती है ये आती है हमारे इनपुट कंस्टेंट को यूज करने पे कि हमारे जो कंस्टेंट है वो सेट नहीं हो पाता है प्रॉपरली, हमें बार बार उसे सेट करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यह साउंड बटन क्रिएट कर लिया है हमारा, उसे क्रिएट करने के बाद अब हम जाएंगे हमारे, हम उसके वेरिएबल्स को यहाँ इनिशियलाइज करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मीडिया प्लेयर क्लास का यूज करेंगे। जो मीडिया प्लेयर क्लास होती है वो क्या करती है कि हमें कोई भी मीडिया, फॉर एग्जांपल साउंड या वीडियो चाहिए, उसके लिए यूज होती है। सबसे पहले तो हमें एक और बटन यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, उसका नेम हम दे देंगे साउंड। नेक्स्ट यहाँ पे उस साउंड को हमें असाइन करना होगा, साउंड इक्वल टू फाइंड यू बाय आईडी, और हमने उसका जो आईडी है वो साउंड रखे थे, सो हमने इसे असाइन कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे मीडिया प्लेयर क्लास का, सो फाइनल मीडिया प्लेयर जो फाइनल कीवर्ड है वो क्या करता है, वो कांस्टेंट को डिनोट करता है। अगर कोई भी एंटिटी, एंटिटी मतलब हमारी कोई भी क्लास, वेरिएबल, मेथड, अगर ये फाइनल बन गई तो फिर हम उसे दोबारा असाइन नहीं कर सकते हैं, उसे फिर सिर्फ हम एक ही बार असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने एमपी एक ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, ये क्या करेगा गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, इस एप्लीकेशन में एक जो भी हमारी फाइल होगी, जो भी हमारी MP3 फाइल होगी उसे प्ले करेगा। अब MP3 फाइल प्ले यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे रॉ का यूज, प्रोजेक्ट एप्स रिसोर्सेस में यहाँ पे हमें एक रॉ फोल्डर क्रिएट करना होगा, तो हम सबसे पहले रॉ फोल्डर अब यहाँ क्रिएट करेंगे। सो रॉ फोल्डर क्रिएट करने के लिए न्यू, न्यू में जाने के बाद हम करेंगे रिसोर्स फाइल क्रिएट, तो हम यहाँ पे एंड्रॉय यहाँ पे रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उस रिसोर्स डायरेक्टरी को हम नेम दे देंगे रॉ, और यहाँ से हम रिसोर्स टाइप रॉ सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब ये जो रॉ है वो क्या होता है, जो रॉ फोल्डर होता है उसमें हम एसेट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक फाइल, डेटाबेस फाइल या टेक्स्ट फाइल। अब हम हमारे पास जो भी हमें इसको प्ले करना है, जो भी साउंड हमें प्ले करना है, हम उसे कॉपी पेस्ट करेंगे इसमें। सो एक फाइल है जो कुछ सेकेंड्स की है, उसे कॉपी, और यहाँ पे हमने रॉ में उसे पेस्ट कर दिया। अब उसका नेम आ रहा है, सो एबीसी नेम रख लेते हैं। ये पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मीडिया प्लेयर है इसमें जो फाइल प्ले करनी है उसका नेम लिखना है, सो हम यूज करेंगे आर, जो कि रिसोर्स को डिनोट करेगा, डॉट रॉ, क्योंकि हमें फाइल चाहिए रॉ में से, डॉट जो भी फाइल का नेम है, तो एबीसी। यहाँ पे हमने अपनी फाइल ले ली जो हमें प्ले करनी है। अब नेक्स्ट कब प्ले करनी है उसके लिए हम अपने बटन को, बटन क्लिक पे करनी है, तो हम अपने बटन की कोडिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे,
साउंड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू। जैसे ही ये करेंगे हम, यहाँ पे हम बस हमें एक ही चीज करनी है, वो है एमपी, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है डॉट स्टार्ट, मतलब ये फाइल को प्ले करना स्टार्ट कर दो। ये आपकी जितनी बड़ी फाइल होगी उतनी देर तक प्ले होगा। आप इसके साथ एक टोस्ट मैसेज भी शो कर सकते हो, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, जो मैसेज शो करना है। तो मुझे ये मैसेज शो करना है साउंड हैज स्टार्टेड, ठीक है। अब ये टोस्ट यहाँ पे शो होगा, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट अब यहाँ पे जब जैसे ही बटन क्लिक होगा साउंड वाला, हमारा जो साउंड है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें साथ साथ एक टेक्स्ट शो होने लगेगा, साउंड है स्टार्टेड। तो तीन चीजें हमने देखी, बटन में एक कॉल करना, एक वाइब्रेट करना बटन को, और एक हमने देखा यहाँ पे म्यूजिक प्ले करना। सो ये क्या होता है, जैसे हम अभी वुमेन सेफ्टी ऐप बना रहे हैं, सो उसमें हमें अपना फीचर ऐड करना है साउंड का, सो हमने वो वहां पे यूज किया। कॉल का फीचर ऐड करना है, जस्ट अ बटन क्लिक, जहां आपको जस्ट अ बटन क्लिक, लाइक अगर आप अपने फोन से ये चीज करेंगे तो आपको पहले नंबर डायल करना पड़ेगा या नंबर ढूंढना पड़ेगा, पर हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने जो नंबर ऐड किया है यहाँ पे उसे क्लिक करते ही वहां उस पर डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। जब आप ये यूज करेंगे तो आपको अगर ऑप्शन नहीं आता है तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेटिंग्स में जाके, जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे अपना ये वाला, उसमें जाके आपको अपने ऐप को कॉल की परमिशन देनी होगी। ईशा, वन क्वेश्चन है। यस सर। एक दो यूजर्स ने पूछा है कि वी हैव गिवन टू बटन्स, वाइब्रेट के लिए अलग, कॉल के लिए अलग, कैन वी जस्ट मेक वन बटन व्हिच परफॉर्म्स ऑल द टास्क? वी कैन मेक अ बटन व्हिच परफॉर्म्स ऑल द टास्क, उसके लिए हम राइट, बिकॉज़ वी आर मेकिंग अ वुमेन सेफ्टी ऐप जिसमें वी डोंट एक्सपेक्ट इन अ पैनिक सिचुएशन समबडी टू प्रेस यू नो दिस बटन और दैट बटन, सो मे बी जस्ट वन बटन दैट शुड मेक द साउंड, दैट शुड कॉल 100 नंबर, दैट शुड ऑल्सो सेंड मैसेजेस टू यू नो फ्यू पीपल, सो वन बटन शुड डू ऑल द टास्क, कैन हाउ कैन वी डू दैट? ओके, वन बटन दैट कैन डू ऑल द टास्क। तो हम क्या करेंगे, हमने जो चीजें अलग अलग डिफाइन की है, जैसे ये कॉल बटन की, हम यहाँ पे फोन कॉल के साथ यहाँ पे हम ये इसको कॉल कर देंगे जो वाइब वाला है, कि पहले फोन कॉल और वाइब जो हमारा मेथड है वो कॉल हो जाए, तो वो साथ में होगा कि पहले फोन कॉल लगा और फिर वाइब्रेट हो गया वो। Right, so you can, we can call all these functions on one button click ka event mein. Yes, sir. Okay. So, regarding the logo and splash screen, I think we have given it to everybody. Kuch bhi pending nahi hai. Kisi ko abhi bhi nahi mila to then please message immediately to that WhatsApp number, because we have given logo and splash screen to all the students. Okay, the second question, do you have to make it for all your projects? No. आपको लगता है कि इसका relevance है आपकी app में, या आपको सोचना है? We are teaching you image capturing, we are teaching you location capturing, we are teaching you how to make a phone call from your app, how to send a message from your app, how to make a phone vibrate from your app. इसका उपयोगिता, इसका जो यूसेज है वो आपकी ऐप में है या नहीं, ये हम आप पे छोड़ते हैं, यू हैव टू डिसाइड दैट।
जैसे वुमेन सेफ्टी में डेफिनेटली इसका यूज है, लेकिन और किसी ऐप में आपको, जैसे कि आप अगर टिक टैक टो गेम बना रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि जब हम जीत जाते हैं तो फिर आप उसको फोन को वाइब्रेट कर सकें, वहां पे आप इसको कर सकते हैं, आप वहां वाइब्रेट को यूज कर सकते हो, या कोई गेम जब ओवर हो जाता तब आप वाइब्रेट कर सकते हो। साउंड को, साउंड की अगर आप बात करें, सो आप साउंड के लिए जब कोई गेम खत्म होता है, कोई यूजर जीतता है, देन यू कैन डू इट। ठीक है, सो एनीथिंग एल्स ईशा दैट वी हैव टू कवर इन दिस कोड? नो सर, दिस इज ऑल। ओके, सो नाउ अबाउट फ्यू थिंग्स की, कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला है, एज आई सेड प्लीज जिनको भी लोगो या स्प्लैश अभी तक नहीं मिला है, वो आप लोग प्लीज हमारे हेल्प डेस्क नंबर पे, या फिर यूआई में रचित सर का नंबर हमने आप लोगों को दिया था, प्लीज एक बार फिर से पिंग कीजिए। और आज के बाद हम वैसे भी लोगो और स्प्लैश वाला सारा क्लोज कर रहे हैं, कोई भी पेंडिंग एक्टिविटी नहीं बचा है, राइट? एंड तो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर ऐप, यू कैन आस्क ईशा मैम नाउ, और एल्स वील क्लोज द क्लास। ओके शुभम, आई टेक योर पॉइंट, इफ यू हैव नॉट गॉट अ रिप्लाई, यू जस्ट मैसेज इट वन मोर टाइम विथ योर आईडी, वी हैव गिवन वन आईडी टू ईच ऑफ यू, आप अपने आईडी के साथ वापस से मैसेज कीजिए, वी विल मेक श्योर कि आपको अगले 1 घंटे में आपका ऐप और आपका लोगो और स्प्लैश मिल जाएगा। आप जो भी मैसेज करते हैं प्लीज ऑलवेज यूज योर आईडी एज अ कम्युनिकेशन कोड, ताकि हमें ढूंढने में आसानी होता ओके ईशा, वुड यू लाइक टू टेक फ्यू क्वेश्चन, वी हैव गॉट फ्यू मिनट्स, अगर आप कुछ क्वेश्चंस लेना चाहें यस तो। ओके, दे वांट टू अंडरस्टैंड पैकेज, जैसे आप हमेशा बताते हैं कि जब भी कोई नया टर्म उनको मिलता है, एंड्रॉयड स्टूडियो को मिलता है, तो ऑल्ट एंटर से हम उनको बोलते हैं कि हमने पैकेज वो इंक्लूड किया, तो व्हाट इज पैकेज, दे वांट टू अंडरस्टैंड, आई थिंक वन ऑफ कपल ऑफ यूजर्स आर आस्किंग अबाउट पैकेज। ओके, जो पैकेज होता है उसमें जो भी वर्जन होती है ना उसकी इंफॉर्मेशन होती है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं कि एक बहुत ही वेल मैनेज जो कोड होता है, लाइक अब जैसे ये ऑन सेट ऑन क्लिक लिसनर क्लास है, ठीक है। सो ये तो हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बट जिसने भी ये डेवलप किया है जो आईडी, उसमें जिसने भी ये फंक्शन जो मेथड को है उसने उसका पैकेज बना दिया, उसकी क्लास बना दिया है। सो पैकेज में कुछ क्लासेस जो सिमिलर टाइप की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है, जैसे सेट ऑन क्लिक लिसनर, जैसे लिसनर्स क्लासेस है। सो इन सब की क्लास को एक साथ जो इनकी फंक्शनैलिटी के साथ है कि उस क्लास में क्या क्या होगा, वो क्या कोड रहेगा, उसको एक साथ रख के उसका पैकेज बना देते हैं। सो जब हमें वो यूज करना होता है तो हम डायरेक्टली इम्पोर्ट कर देते हैं। अब जैसे हमारा ये जो ऐप है यहाँ पे भी एक पैकेज लिखा हुआ आ रहा है, सो हमारा एक ऐप भी एक तरह से पैकेज ही बन गया, क्योंकि इसमें
डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट मेथड्स है और उनमें कुछ टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे बटन क्लास है, ठीक है, सो बटन क्लास है। अब अगर हमें बटन के लिए कोडिंग करनी रहेगी बार बार, तो दैट वुड बी रियली हेक्टिक। सो ये बटन क्लास को हम यहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं, जिसमें ऑलरेडी बटन की जो कोडिंग होती है कि बटन क्या है और बटन क्या करेगा, कि उस पर क्लिक होगा, वो क्लिकेबल चीज रहेगी, वो सब जो है वो कोडिंग उन क्लासेस में रहती है। सो पैकेज में हमारे कुछ क्लासेस रहते हैं जो ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, सेट ऑफ कोड्स रहते हैं, और हम उन्हें इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, अपने कोड में। ओके एंड इफ यू आर गेटिंग मैनी एरर्स, जैसे राहुल आपने भी लिखा है बहुत सारे एरर्स हैं, ना आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजिए, वी विल रिवर्ट टू यू कि वो एरर क्यों है। ऐसे इतना जेनरिक इशू नहीं सॉल्व कर सकते कि बहुत सारे एरर्स हैं। ग्रेजुएशन डे हमारा 29th को है, विच इज़ ट्यूसडे, 4 बजे से लेके 6 बजे तक 2 आवर्स का ग्रेजुएशन डे है। सो द सेलिब्रेशन विल बी ऑन फ्रॉम 4 PM टिल 6 PM। ओके, वन मोर एरर इशू इज ईशा, व्हेन आई रन माय ऐप एरर कम्स द डिफॉल्ट एक्टिविटी नॉट फाउंड। डिफॉल्ट एक्टिविटी नॉट फाउंड, दैट माइट बी बिकॉज अपडेट, आई गेस अपग्रेडेड वर्जन नहीं होगा। एक बार आप कंपैटिबिलिटी चेक कर लीजिए, आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है, जावा का जो वर्जन है, SDK वर्जन जो आपने सेट किया हुआ है, वो एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका मोस्टली वो एरर कंपैटिबिलिटी की वजह से आता है, अगर कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम, एक बार आप चेक कर लीजिए आपका जावा का वर्जन क्या है, एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन क्या है। ओके, और आपको अगर वुमेन सेफ्टी ऐप के लिए कुछ लोगों का कोड मांगने का है, तो ईशा हमने वो वीडियो यूट्यूब में डाल दिया है वुमेन सेफ्टी ऐप का। सर वो आज इवनिंग तक ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपके जो कोड स्पेसिफिक क्वेरीज हैं, आपको अपनी ऐप में जो प्रॉब्लम आ रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम ऑन दी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर जो हमने आपको दिया है, आप उसमें हमें भेज सकते हैं। ओके, दिस वन मोर क्वेश्चन, वुमेन सेफ्टी ऐप कैन वी सेंड लोकेशन इन प्लेस ऑफ सिंपल SMS? यस, वी कैन सेंड लोकेशन अभी, लेकिन लोकेशन भेजने के लिए आप अगर आप व्हाट्सएप का यूज करना चाहें तो दैट इज बेटर। व्हाट वी कैन यू डू इज, एक तरीका है कि हम SMS भेजें, विच इज ऑलवेज प्रिफर्ड। हम और SMS के साथ साथ व्हाट्सएप API को यूज करके लोकेशन भी भेज सकते हैं, ताकि आप व्हाट्सएप की API आती है जिनको आप यूज करके आप जिन भी नंबर्स पे मैसेज के साथ साथ आप लोकेशन भी भेज सकते हैं। या फिर एक चीज और कर सकते हैं कि SMS में हम लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भेज सकते हैं। SMS में आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर भेज दें, क्योंकि अगर आपने इमरजेंसी सिचुएशन में लोकेशन कैप्चर करने में या भेजने में इंटरनेट नहीं चला तो प्रॉब्लम होगा। SMS इज समथिंग विच यू कैन रिलाई ऑन, तो आप SMS में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भेजना इज अ बेटर ऑप्शन, ताकि जो जिनको भी मिलेगा जो रिसीवर है वो उनसे लोकेशन पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईशा, कैन आई यूज टू लेआउट इन सेम स्क्रीन, नो यू मे बी कैन, ओके, रिलेटिव एंड। हाँ यू कैन यूज दैट, आप नेस्टेड लेआउट का यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक देयर इज वन मोर क्वेश्चन, हाउ कैन आई कीप माई ऐप ओनली इन लैंडस्केप मोड। आई थिंक आपने पहले भी पूछा था, अंकुर सर ने आपको उस दिन रिप्लाई भी किया था, यू कैन रिफर टू दैट, आप कैसे अपनी ऐप को सिर्फ लैंडस्केप मोड में ही चलाना चाहते हैं, तो यू कैन लॉक इट देयर, द फीचर आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, व्हेन व्हेन शुड आई इंसर्ट प्लेन टेक्स्ट एंड व्हेन शुड आई इंसर्ट टेक्स्ट व्यू। आई थिंक ये इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, वी हैव आंसर्ड इट। आई थिंक वो प्लेन, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, इट्स लेबल वर्सेस टेक्स्ट। अगर आप सिर्फ कुछ व्यू ओनली दिखाना चाहते हैं, ईशा यू वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन? नो, सो यू कैन आंसर दैट इफ यू वांट। ओके, सो प्लेन टेक्स्ट वर्सेस टेक्स्ट व्यू, आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप प्लेन टेक्स्ट में आपको सिर्फ उनको लेबल कुछ दिखाना है, अगर आपको कुछ उनसे इनपुट कराना, देन यू कैन यूज टेक्स्ट व्यू। नो
नो, इट्स एक्चुअली इफ यू वांट टू शो, इफ यू जस्ट वांट टू शो टेक्स्ट, अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट शो करना है तो आप टेक्स्ट व्यू का यूज करेंगे. एंड जो प्लेन टेक्स्ट है दैट इज जस्ट अनदर नेम फॉर एडिट टेक्स्ट, तो आप तब प्लेन टेक्स्ट का यूज करेंगे. ओके, सो प्लेन टेक्स्ट इज एडिट टेक्स्ट. आई वाज टेलिंग द अदर वे अराउंड, आपको एडिट बॉक्स का जहां भी आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप प्लेन टेक्स्ट यूज कीजिए. जहां पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन शो करना है वहां पे टेक्स्ट व्यू का इस्तेमाल कीजिए. ऑलराइट, आई थिंक टाइम इज अप. वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस अबाउट द लैपटॉप. राहुल, आई सी योर कमेंट इन एवरी क्लास दैट यू डोंट हैव अ लैपटॉप. वी कैन नॉट हेल्प इट नाउ, वी हैव गिवन द डेस्कटॉप जिन जिनको हम दे सकते थे. सो इफ यू कीप रिपीटिंग योरसेल्फ इट्स नॉट गोना हेल्प एनीबॉडी. So we please don't send such thing. You only spam here. You spam on the social media. We cannot give you laptop. If you can win it, अगर आपने अच्छा app बनाया, then आप एक brand new laptop जीत सकते हैं हमारे coding पाठशाला के graduation day के दिन. Otherwise, please don't repeat this question again. Otherwise, we have to block you. Okay. और बाकी के जो आपके error messages हैं, please send us on WhatsApp help desk number. We will take it there. ऑल राइट देन, सो वील सी यू गाइस टुमारो. आज शाम तक आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे. आप उन वीडियोज़ को देख के, आपके पास लोगो है, वीडियो है, आपके पास में स्प्लैश स्क्रीन है. यू गाइस कंटिन्यू मेकिंग योर ऐप. कोई भी प्रॉब्लम आता है, रीच आउट टू अस ऑन द व्हाट्सएप नंबर. वी विल ट्राई टू हेल्प यू एंड वी विल सी यू गाइस टुमारो. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप ग्रोइंग. बाय बाय.